एंशियंट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एटलांटिस, जिसे कि अक्सर एटलस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, एक यूटोपिया था जो ज्ञान और धन में समृद्ध एक उन्नत सभ्यता होने का दावा करता था। एटलांटिस की कहानी पहली बार 360 ईसा पूर्व में ग्रीक फिलोसफर प्लेटो द्वारा लिखे गए दो डायलॉग्स टाइमियस और क्रिस्टियस में दिखाई दी थी। प्लेटो ने एटलांटिस को मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल्स और रेयर स्टोन से समृद्ध एक पावर सिविलाइजेशन के रूप में प्रेजेंट किया था। दुर्भाग्य ये था कि एक ही दिन और रात में एटलांटिस को समुद्र ने निगल लिया और इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन अचानक गायब हो जाती है। चलिए जाते हैं आज की इस वीडियो में द लॉस्ट सिटी एटलांटिस के कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे, जो इस रहस्यमय सिटी को और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। मिथ नंबर 1, एटलांटिस वॉज एन एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि एटलांटिस के लोग न केवल सुपीरियर थे बल्कि तकनीकी रूप से भी एडवांस्ड थे। उनका मानना है कि एटलांटिस के पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी थी। अमेरिकी रिसर्चर एडगर कैस के अकॉर्डिंग एटलांटिस ने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया था। मिथ नंबर 2, एटलांटिस लोकेटेड इन द बर्मुडा ट्रायंगल। अक्सर लिटरेचर, किताबों या सिनेमा में दर्शाया गया है कि एटलांटिस शहर बर्मुडा ट्रायंगल में कहीं डूबा हुआ है। हालांकि ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है। मिथ नंबर 3, एटलांटिस एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ एल डोराडो आर द सेम। दोस्तों, एल डोराडो भी इसी तरह से एक शहर था जो कि पानी में समा गया था। ज्योग्राफिकल रिसर्चर्स का मानना है कि एल डोराडो एंड एटलांटिस दोनों एक ही शहर हैं। हालांकि एल डोराडो अमेरिकन लेजेंड है, जबकि एटलांटिस की उत्पत्ति एंशियंट ग्रीक फिलोसफी में हुई है, जो इन दोनों शहरों को अलग बनाती है। मिथ नंबर 4, एटलांटिस वर एलियंस। एक फ्रेंच थ्योरी का यह मानना है कि एटलांटिस के रेजिडेंट्स एलियन थे, या कम से कम उनका विदेशी प्राणियों से संपर्क था। यह मिथ इस बात से रिलेटेड है कि जब प्लेटो ने एटलांटिस को एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन होने का श्रेय दिया था, वह सुपर नेचुरल एक्टिविटीज का इंटरवेंशन के बिना संभव नहीं हो सकता था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और यह हिस्टोरिकल फैक्ट की बजाय पूरी तरह से साइंस फिक्शन के दायरे में आता है। मिथ नंबर 5, एटलांटिस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। यह मिथ इस विश्वास से जुड़ा है कि एटलांटिस एक असाधारण रूप से एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। कुछ समर्थकों का विश्वास है कि एटलांटिस का विनाश एक तकनीकी आपदा के परिणाम स्वरूप हुआ, जैसे कि परमाणु विस्फोट या फिर उन्नत पावर सोर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट के कारण। मिथ नंबर 6, एटलांटिस इज इन एंटार्क्टिका। चार्ल्स हॉपगर्ड के अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी से प्रेरित होकर कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि एटलांटिस एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे मौजूद है। उनका मानना है कि 9600 ईसा पूर्व के आसपास तेजी से पोल शिफ्ट के कारण एटलांटिस अपने प्रेजेंट बर्फीले स्थान पर चला गया। मिथ नंबर 7, एटलांटिस वॉज अ कॉन्टिनेंट। प्लेटो की काम की कुछ इंटरसेप्शंस बताती हैं कि एटलांटिस सिर्फ एक सिटी या आइलैंड ही नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट था। वैज्ञानिकों के अनुसार एटलांटिस को एशिया और लीबिया के कम्बाइंड तुलना में बड़ा बताया गया है। मिथ नंबर 8, एटलांटिस वॉज सैंक इन एटलांटिक ओशन। प्लेटो के मूल रेखन से पता लगता है कि एटलांटिस हरकुलिस के स्तंभ से परे स्थित था। इसके बावजूद कई लोग मानते हैं कि एटलांटिस एटलांटिक महासागर में डूब गया था। मिथ नंबर 9, एटलांटियंस हैड यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ फेमस संस्कृति थ्योरीज में एटलांटिस को यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि अनयूजुअल स्किन या हेयर कलर, हाइट, यहाँ तक कि पानी के नीचे सांस लेने जैसी क्षमताओं के साथ पोर्ट्रे किया गया, जैसे कि उनके पास कोई सुपर पावर थी। मिथ नंबर 10, एटलांटिस वॉज अ पीसफुल यूटोपिया। एटलांटिस के कई मिथ्स इसे एक पीसफुल जन्नत के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, जहाँ युद्ध और संघर्ष के बारे में किसी को पता नहीं था और इसके नागरिक बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ये वो लॉस्ट एटलांटिस सिटी थी जो कि कई सदियों पहले समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, ये मिथ्स हालांकि साइंटिफिक तौर पर पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है, बट लिटरेचर एंड एंशियंट फैक्ट्स पर ये मिथ कहीं ना कहीं एटलांटिस की ब्लर इमेज को दुनिया के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।